हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सीएमबी सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। तो आज हम बात करेंगे सेवन वंडर्स में से एक चिचेन इट्ज़ा। चिचेन इट्ज़ा एक मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पर एक मेयन शहर था। यह एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। नई डिस्कवरीज आज भी वहाँ की आर्कोलॉजिकल साइट पर शामिल है। 1988 में चिचेन इट्ज़ा को वर्ल्ड हेरिटेज का नाम दिया गया और 2007 में सर्वे के बाद इसे सेवन वंडर्स में से एक चुना गया। चिचेन इट्ज़ा मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप पे के मॉडर्न डे रिजोर्ट टाउन ऑफ कैनकन से लगभग 120 मील की दूरी पर है। चिचेन इट्ज़ा एक मायान भाषा का शब्द है। एट द माउथ ऑफ द वेल ऑफ द इट्ज़ा, इट्ज़ा मायांगु का एक एथनिक ग्रुप था जो युकाटन प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में बढ़ गया था जहां यह सिटी है। हिस्टोरिक खाते अलग अलग है। जब चिचेन इट्ज़ा का निर्माण किया गया था और अल्टीमेटली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के रूप में डेवलप हुआ था। कुछ अकाउंट्स ने शहर की स्थापना की शुरुआत की थी 400 AD में, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इसका कंस्ट्रक्शन कुछ साल बाद शुरू हुआ। करीब 5th सेंचुरी के मिडिल पार्ट में चिचेन इट्ज़ा 600 AD तक मायान संस्कृति में और राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि का महत्वपूर्ण केंद्र बना था। उस समय के अवेलेबल टेक्नोलॉजी के हिसाब से वह उबड़ खाबड़ एरिया में बनाया गया था, जिसमें बड़ी बड़ी संरचनाओं के लिए इसे समतल भी किया गया था। इसमें सबसे विशेष रूप से अल कैस्टिलो यानी कि द कासल, जो एक पिरामिड का स्ट्रक्चर शामिल है, बड़ा स्ट्रक्चर, और लास मेंजोस जो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है। चिचेन इट्ज़ा की सभी बिल्डिंग्स को 100 पक्के रोडवेज और फुटपाथ के नेटवर्क के द्वारा इसे जोड़ा गया था, जो कि यह इम्पोर्टेंट था क्योंकि यह देखते हुए कि यूरोपियन सिटीज में ऐसे पक्के रास्ते उस समय नहीं थे। उसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि मायांस में काफी सारे ऐसे बिल्डिंग्स है जिसमें चमकीले कलर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर शामिल थे। मतलब उसमें इस तरीके से कलर किया गया था क्या कि उसके पीछे के ईंट वगैरह के भी कलर्स यानी कि पत्थर के कलर्स भी दिख रहे थे। चिचेन इट्ज़ा के नॉर्थ पार्ट में एक बड़ा सेनेट का सेरेमोनियल और आर्कियोलॉजिस्ट का महत्व है। 9th सेंचुरी तक चिचेन इट्ज़ा एक ओरिजिनल कैपिटल था जिसके शासक मध्य उत्तरी युकाटन प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रण करते थे। नॉर्दर्न कोस्ट पे इस्ला सेरेटोस एक महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर बन गया, जिसमें पूरे अमेरिका और कई शहरों के साथ इसमें गोल्ड का खजाना शामिल था। यह माना जाता है कि इस शहर में 50,000 लोग रहते थे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि 1200 के मध्य तक शहर के कई एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज मेरकाडो में शिफ्ट हो गई, जो चिचेन इट्ज़ा के साउथ वेस्ट में एक बनाई गई कम्युनिटी है। एज अ रिजल्ट यह एक नेचुरल था कि वहां पर एक समय के लिए वहां पर स्पेनिश एक अस्थाई राजधानी बनाई, जो बाद में उन्होंने कैटल रेंचिंग के लिए उनकी एक्टिविटीज के लिए एक हेडक्वार्टर्स के रूप में उसे उपयोग किया। स्पेनिश के द्वारा लंबे समय तक छोड़ा हुआ और फिर मेक्सिको के नवगठित देश चिचेन इट्ज़ा 1800 के डिकेड में एक महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर साइट बन चुका था, जो आज भी ऐसा ही है। ओरिजिनल सिटी के कुछ स्ट्रक्चर्स है जो कुछ इस तरीके से है। अल कैस्टिलो जो 100 फीट ऊंचा है और जिसे कुकुलकन टेम्पल भी कहते हैं। द ग्रेट बॉल कोर्ट अल कैस्टिलो के नॉर्थ वेस्ट में इसे खेल के उपयोग में लिया जाता था। द नॉर्थ टेम्पल जिसे टेम्पल ऑफ बियर्डेड मैन भी कहा जाता है, जो ग्रेट बॉल कोर्ट से सती हुई है। द स्टीम बाथ इस स्ट्रक्चर में गर्म पत्थरों का उपयोग करके वाटर बाथ और स्टीम चैम्बर ऑपरेट किया जाता था। टेम्पल ऑफ वॉरियर्स एक और बड़ा स्टेप्ड पिरामिड, ग्रुप ऑफ 1000 कॉलम्स, अ सीरीज ऑफ एक्सपोज्ड कॉलम्स, जो माना जाता है कि एक लार्ज रूफ का सपोर्ट है। अल मेरकाडो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि यह एक सिटी का मार्केट प्लेस था। अल ओसारियो अनदर स्टेप पिरामिड, जहां के पिक पर एक मंदिर स्थित है।
यहाँ पर कुछ 2 मिलियन टूरिस्ट सिर्फ एक साल में चिचेन इट्ज़ा की विजिट करते हैं। इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन।